हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। सो आज हम आए हैं नेल आर्ट कराने के लिए मॉल में। मुझे एक फंक्शन में जाना था जिसके लिए मुझे एक नेल आर्ट करवाना था और मुझे कुछ अच्छा सा गॉडी सा लुक चाहिए था मेरे आउटफिट को मैच करते हुए। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे इस शॉप के, और ये शॉप का जो लिंक है, लोकेशन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो अगर आपको करवाना हो तो। तो मैं इस शॉप पर आई और मुझे जो है मैंने नेल एक्सटेंशन नहीं कराया, मतलब सिर्फ दो ही नेल्स पे मैंने नेल एक्सटेंशन कराया जो मेरे काफ़ी कटे हुए थे और उनकी लेंथ नहीं थी। बाकी मेरे जो नेल्स थे वो काफ़ी शेप में थे और बेटर थे, तो मैंने अपने ओरिजिनल नेल पे ही नेल एक्सटेंशन, मतलब जो नेल आर्ट होता है वो कराया है। सिर्फ दो नेल्स को मैंने जो कट गए थे, और काम करते करते हो जाता है ना कि हम कुछ करते होते और एकदम से हमारे नेल्स टियर हो जाते हैं, तो मेरे टियर हो गए थे उस टाइम पे। और सारे तो शेप में थे, सिर्फ एक या दो जो थे वो शेप में नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये जो एक नेल था उसका एक्सटेंशन कराया। और उसके बाद जो है वो नेल आर्ट कराने के लिए, ये सारे के सारे नेल्स परफेक्ट थे, तो उसके बाद हमने नेल्स आर्ट स्टार्ट किया। आगे आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कितना अच्छा नेल आर्ट इन्होंने किया है और क्या क्या प्रोसेस किया है और कितना टाइम लगा है इस नेल आर्ट को कंप्लीट होने में। विद इन अ आवर इन्होंने मेरा जो है वो नेल आर्ट कंप्लीट कर दिया था, आप देख सकते हो है। देखिए मेरे दोनों नेल्स पर इन्होंने जो है नेल आर्टिफिशियल नेल लगाए हैं और ट्राई किया है कि वो जो भी बाकी की नेल्स है उसके साथ में ये जलप हो जाए, और बाकी की जो मेरे तीन नेल्स है वो ओरिजिनली ही है, इस पर मैंने कुछ भी नहीं कराया है, इसी पे मैंने अपना नेल आर्ट कराया है और काफ़ी अच्छा भी लुक दे रहा है ये। आगे आपको वीडियो में दिखेगा ये सब। तो इन्होंने पहले एज अ प्रोसेस में इन्होंने पहले मेरे को मेरा जो है नेल एक्सटेंशन दोनों नेल्स का वो किया, इसके बाद इन्होंने बफर से शेप दिया मेरे नेल्स को, और सारे नेल्स को एक प्रॉपर जो शेप होता है वो देने का इन्होंने ट्राई किया फर्स्ट, और इसके बाद इन्होंने बाकी का प्रोसेस जो है वो किया। आप देखोगे वीडियो में कि काफ़ी सारे लोग नेल एक्सटेंशन कराते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको थोड़े बड़े नेल्स पसंद है और आपको नेल एक्सटेंशन बड़े नेल्स का करवाना है, आप डेफिनेटली करवा के उस पर नेल आर्ट करवा सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे मेरे ओरिजिनल नेल्स पे ही करवाना था, और अगर कभी जब ये नेल आर्ट जब निकलता है तो वो बहुत ही पेनफुल लगता है मुझे, जब मेरे ये दो जो दो उंगलियों पे मैंने आर्टिफिशियल नेल्स लगाए थे जब वो निकले तो मुझे बहुत पेनफुल सा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर आप अपने ओरिजिनल नेल्स अगर आपके अच्छे हैं और आप उस पर अगर नेल आर्ट करवाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और आपको जब नेल आर्ट निकलता है तब वो इतना पेनफुल भी नहीं लगता, और आप कभी भी जो है वो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपके नेल्स की लेंथ अच्छी है तो आप करवा सकते हो। इन्होंने जो है फटाफट मेरे नेल्स को एक अच्छी सी शेप देने की ट्राई की, और उसके बाद जो है वो पूरा नेल आर्ट का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया। नेल की बफरिंग हो गई, इन्होंने ये कुछ सॉल्यूशन मेरे नेल्स पे लगाया स्टिक करने के लिए। सो बेसिकली जब मैंने इनसे पूछा तो इनका ये कहना था कि जो भी नेल आर्ट आप करते हो आपके नेल्स पे, अगर आप ये सॉल्यूशन लगाते हो तो काफ़ी शाइन भी आती है और ये स्टिक रहता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने ये बेस जो था वो मेरे नेल्स पे फर्स्ट लगाया सारा, और इसके बाद इसको एक मशीन में जो है वो ड्राई करने के लिए रखा।
जो नेल आर्ट की मशीन हम काफ़ी सारे नेल आर्ट के शॉप्स पे देखते हैं, तो उस तरह की नेल आर्ट की मशीन थी। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारे ऑनलाइन शॉप मतलब लाइक मीशो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर पे भी मैंने इस तरह की मशीन्स देखी थी। तो अगर आपको घर पर भी कभी अगर नेल आर्ट करना है इस तरीके का, सो आप इस तरह की जो मशीन है या इस तरह का जो नेल आर्ट का जो ये एक मशीन आता है वो आप खरीद सकते हो, और कुछ इक्विपमेंट्स भी इस तरह की खरीद सकते हो, और आप घर पर भी आप इसको जो है एक अच्छा नेल आर्ट ट्राई कर सकते हो। सो मुझे तो ये अच्छा लगा काफ़ी। सो बेसिकली इन्होंने ये सोल्यूशन अप्लाई किया पांचों की पांच उंगलियों पे, और इसके बाद में जो है इन्होंने जो है इसे ड्राई करने के लिए जो ये मशीन था जिसमें से रेज आ रही थी एक लाइट्स की, तो इस तरह की मशीन जो है उन्होंने इस पे रखा और ये ड्राई हो गया, और ड्राई कुछ मतलब 5 या 10 मिनट में ये ड्राई हो गया। और उसके बाद जो है इन्होंने दूसरा जो भी इनका प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया। तो इस तरह की मशीन्स जो है जब मैंने सर्च करी तो ऑनलाइन काफ़ी सारी अवेलेबल्स थी, तो आई प्रीफर कि आप घर पे भी इस तरह की मशीन्स लेके अगर आपको नेल आर्ट करना है तो आप कर सकते हो। और ये काफ़ी हैंडी भी थी, काफ़ी हल्की भी थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। जैसे ही नेल पेंट अप्लाई होगी इसके बाद इन्होंने ये ग्लिटर अप्लाई किया, सो मुझे थोड़ा ग्लिटरी सा लुक चाहिए था मेरे आउटफिट को मैच करते हुए, इसीलिए मैंने ये रेड नेल पेंट जो है वो अप्लाई करी। और इसी के साथ साथ मुझे रेड एंड गोल्डन का लुक चाहिए था, तो इस तरह से उन्होंने जो है वो गोल्डन ग्लिटर अप्लाई किया है एक फिंगर पे। सो आप अपने हिसाब से आपके आउटफिट या आपको जिस तरह का लुक चाहिए वो आप देख सकते हैं, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या चाहिए है। सो इस तरह का मुझे कुछ चाहिए था मेरे आउटफिट के लिए, तो मैंने ग्लिटर एक फिंगर पे अप्लाई किया, उसी के साथ साथ दूसरे फिंगर पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की। आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर का फ्लावर मैंने दूसरे फिंगर पे जो है वो अप्लाई किया है। इसी के साथ साथ जो मेरा थर्ड फिंगर है उस पे मैंने डायमंड्स लगाए हैं। सो ये डायमंड्स का एक शेप मैंने बनाने का ट्राई किया है जो आपको लास्ट में दिखेगा वीडियो के। सो वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको एग्जैक्टली जो लुक है नेल आर्ट का, वो दोनों हाथों का क्या लुक आया है वो आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा पूरा। सो मैंने अपने तीनों फिंगर्स के तीनों फिंगर्स को अच्छे से डेकोरेट करने का ट्राई किया है अपने लुक के हिसाब से, अपने आउटफिट के लुक के हिसाब से। तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ज़्यादा एलिगेंट पसंद है तो आप एलिगेंट लुक ले सकते हैं, अगर आपको हैवी लुक चाहिए है, अगर आप किसी फंक्शन के लिए जाना चाह रहे हैं या कुछ है, तो उस हिसाब से अपना लुक डिसाइड करके बता सकते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे ये लुक चाहिए था रेड एंड गोल्डन का, तो इस हिसाब से मैंने ये लुक चूज किया, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बजट में इन्होंने करके दिया है मुझे ये सारी चीज़ें। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लुक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है अभी तक ये लुक, और फाइनल लुक आपको कैसा लगा है वो भी आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड
प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो सब्सक्राइब करना ना भूले, इस तरह के सारे वीडियोज़ जो भी मैं डालती रहती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप इस तरह के वीडियोज़ देख पाओगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फाइनली ये जो आप देख सकते हो, ये तीन फिंगर्स का काम ये है और लास्ट फिंगर पे भी इन्होंने थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई किया है जो आपको आगे दिखेगा। और फाइनली ये जो लुक है एक फिंगर का रेडी हुआ है। सेकेंड फिंगर का हम आपको बता दें कि किस तरह का लग रहा है ये लुक। और फिर से इन्होंने जो है जितने भी बार इन्होंने जो आर्ट किया है, जैसे एक फिंगर पे मैंने अगर ये अप्लाई किया, सेकेंड पे मैंने अगर डायमंड्स अप्लाई किए हैं, ये आप देख सकते हो पांचों फिंगर का जो लुक आया है। तो इन्होंने हर बार जो है इस मशीन में हाथों को डाला है ताकि जो है लाइट्स के वार्म लाइट्स की वजह से ये जो है जल्दी जल्दी सूख जाए और इस पे जो नेल आर्ट किया है वो प्रॉपरली फिक्स अप हो जाए। सो अब हम कर रहे हैं हमारे सेकेंड फिंगर पे नेल आर्ट। सो सेकेंड फिंगर पे भी इसी तरह का लुक मैंने उन्हें करने के लिए कहा है ताकि जब हम फाइनल लुक देखेंगे तो कुछ किस तरह का आएगा आपको इस वीडियो में दिखेगा। फाइनल लुक में कुछ आपको दिखने वाला है इसमें, वो आप ज़रूर देखिएगा। सो इसी तरह इन्होंने इस फिंगर पे भी ग्लिटर अप्लाई किया है और रेड के साथ गोल्डन जो है वो काफ़ी अच्छा जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स जो है वो आपके गोल्डन होते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप रेड पहन रहे हो तो रेड के साथ तो गोल्डन बहुत ही अच्छा जाता है। तो मुझे ये कलर बहुत प्रिटी लग रहा था और आप शाइन देख सकते हो, ये शाइन भी बहुत कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने कैसा लुक दिया है। सो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो एंड तक। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये फाइनल लुक जो है वो रेडी हो गया है। सेकेंड हाथ में भी इन्होंने डायमंड्स जो है वो लगा दिए हैं और मेरे दोनों ही हाथों में जो है वो हाफ हाफ हार्ट बना हुआ है। जी हाँ, आधा आधा हार्ट टाइप का शेप दिया हुआ है। जब हम दोनों हाथों को कंबाइन करेंगे तो ये जो है फुल हार्ट का शेप दिखाएगा। सो एंड में आप देखिएगा, एंड में मैंने इसी क्लिप डाली हुई है कि ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है। सो ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है फाइनल लुक। और एंड में जो है वो अगर आप मेरे को हार्ट शेप चाहिए था तो दोनों अगर आप हाथों को मिलाते हैं तो ये एंड में एक प्रॉपर हार्ट शेप जो है वो आता है। सो इसके बाद इन्होंने इस तरह का कुछ सॉल्यूशन लगाया जो कि काफ़ी शाइनी था और इसके बाद जो है नेल्स का जो फाइनल लुक था वो कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट हमारा नेल आर्ट फिनिश हो गया है। फाइनल लुक जो है वो आपको एंड में दिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू डेफिनेटली लाइक शेयर इट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आप इस तरह का नेल आर्ट आप भी अगर आप चाहे तो आप करवा सकते हो।
फाइनल लुक जो है वो आपको लास्ट में दिखेगा, सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड गाइस, सो दैट आपको मैं फाइनल लुक बता सकूं। और ये आप देखिए मेरा नेल्स रेडी है, और ये भी जो हाथ है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है, और जो फाइनल लुक है वो आप आगे देखेंगे किस तरह का ये आ रहा है, और बहुत ही प्रिटी लग रहा है, और मेरे आउटफिट को एकदम मैच कर रहा है। सो ये है फाइनल लुक, ये फाइनल लुक है, आप देख सकते हो हार्ट शेप आ रहा है, और ये बाकी सब जो है वो अच्छा लग रहा है, एक प्रॉपर हार्ट शेप जो अगर आप दोनों हाथों को मिलाओगे तो ये आ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।